कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट से गुहार की है कि जहां मामला चीफ जस्टिस की बेंच के सामने है, ईडी और सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दबिश डाल रहे हैं। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर शिकंजा कसता जा रहा है। चिदम्बरम के विदेश भागने की आशंका को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। सीबीआई की टीम चिदम्बरम की तलाश में है, पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और वो कहाँ है ये भी नहीं पता। पी चिदम्बरम के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। राहुल ने कहा कि पी चिदम्बरम के चरित्र हनन के लिए मोदी सरकार ईडी सीबीआई और मीडिया के एक वर्ग का इस्तेमाल कर रही है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा कि पूरी पार्टी चिदम्बरम के साथ खड़ी है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया शिगुफा छेड़ा है। ट्रंप के मुताबिक ये मामला विस्फोटक और उलझा हुआ है, जरूरत पड़ी तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता भी करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन गोपनीयता और राज्य के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं पता कि इसे कैसे करेंगे, हमें ये पता है कि वेब का दुरुपयोग करके समाज में गलत चीजें फैलाई जा रही हैं। देश के कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। उत्तराखंड में बाढ़ से भारी तबाही मची है। अगस्त में बारिश का आंकड़ा बताता है कि पिछली बार के मुकाबले दोगुना है। कानून के शिकंजे में एक और फर्जी बाबा फंस चुका है। बाबा का नाम ज्योतिगिरि महाराज है। अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने उन पर शिकंजा कस लिया है। शिकायत दर्ज कर ली गई, लेकिन बाबा अभी फरार है। इंडियन क्रिकेटर एस श्रीशांत का आजीवन प्रतिबंध घटाकर 7 साल कर दिया गया है। बीसीसीआई के इस फैसले पर श्रीसंत बेहद खुश हैं। श्रीसंत ने कहा है कि अगर उन्हें दोबारा नेशनल टीम में मौका मिलता है तो उनकी कोशिश टेस्ट में 100 विकेट का आंकड़ा छूने की होगी। भारत रत्न शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की आज 13वीं पुण्यतिथि है। बिस्मिल्लाह खां का नाम देश के उन कलाकारों में शुमार है जिन्होंने अपने हुनर के बूते पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। एमपी के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बाबूलाल गौर का भोपाल के नर्मदा अस्पताल में निधन हो गया। 89 साल के बाबूलाल गौर अरसे से बीमार थे, उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया था।